दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। तो बच्चों, आज मैं कोई लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ आपका। आज मैं बेसिकली आपके डिमांड पर, आप लोगों ने, कई लोगों ने क्वेरी करी और बच्चों को मैंने देखा कन्फ्यूज़न है इस बार कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं ऑलरेडी। ये वीडियो मुझे उससे पहले बनानी चाहिए, ज़्यादा बेटर होता, परंतु उस वक्त मुझे पता नहीं था बच्चों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। परंतु अब पता चला बाद में कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस बार भी डिमांड हो रही है जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे पहले कि सर पेपर पैटर्न को क्लियर करो उसका डाउट। तो चलो मैं डाउट क्लियर करता हूँ, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, मैं दोनों पेपर, इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर एक्सप्लेन करूँगा आपको, साथ में एक हिस्ट्री का पेपर भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो पेपर है उसी के बेस पर बाकी सारे पेपर भी होते हैं ना, सेम पैटर्न होता है। पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी का, है ना, साइकोलॉजी का, सबका सेम ही पैटर्न होता है लगभग। तो इसलिए मैं इन दो क्वेश्चन पेपर्स को, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर और हिस्ट्री का एक पेपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसा पेपर पैटर्न है और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। तो देखो, आपके स्टार्टिंग में जो गाइडलाइंस लिख रखी होती है ना क्वेश्चन पेपर की, उसमें भी चीज़ साफ साफ लिख रखी है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी यूनिट से, किसी भी सेक्शन से, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ साफ लिख रखी है। और जिन क्वेश्चन के बीच में और लगा हुआ है, उस और को आप मतलब मानिए मत, वो है, ऐसा मानिए कि और लिखा ही नहीं हुआ, और को इग्नोर करिए, ठीक है? और को इग्नोर करिए। और कि मतलब दो क्वेश्चन के बीच में और दे रखा है, इसका मतलब वो दोनों सेपरेट क्वेश्चन माने जाएंगे, वो ट्रीटेड है सेपरेट, उनको सेपरेट क्वेश्चन मानना है। ऐसा नहीं मानना कि दो में से एक करना है उस तरह से, ना ना, वो सेपरेट क्वेश्चन है, और को भूल जाओ, और है ही नहीं, ठीक है? इस तरह से आपको टोटल दो क्वेश्चन करने हैं। अब वो दो क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं वो समझाऊंगा। पिछली बार बहुत बच्चों को ये डाउट रहा कि दो क्वेश्चन में वो बहुत भयंकर मिस्टेक करा है, मतलब दो क्वेश्चन करने के हिसाब से कैसे कैसे मिस्टेक कर रहे हैं, मैं उसके हिसाब से समझाऊंगा। देखो देखो, इस रूल्स में एक चीज और दे रखी है, एक क्वेश्चन के सारे हिस्से एक ही जगह करने हैं। देखो, इसमें एक चीज लिख रही है कि वन क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह करने हैं एक क्वेश्चन के सारे हिस्से। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या। अब देखो, इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन, ये इसका मतलब इसके सारे हिस्से एक ही क्वेश्चन के भाग हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये पूरा, ये एक क्वेश्चन है। क्या है ये? एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिख रखा है कोई भी चार पार्ट करने हैं, मतलब इसके अंदर आठ व्याख्या हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आठ व्याख्या आती है ना, पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आठ व्याख्या हैं, तो आठ हैं, देखो आठ है ना, यहाँ तक आठ हैं। तो आठ में से आपको कोई चार करनी है, ठीक है? कोई भी चार कर दोगे, एक दो तीन, है ना, और मान लो चौथी भी कर दी, ये चौथी। तो ये चार व्याख्या करने के बाद आठ में से आपका एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक है? मैंने बोला था ना आपको शुरू में दो क्वेश्चन करने हैं, उन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा आपका। अगर आपने ये आठ में से चार व्याख्या कर दी तो एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो अब आ गए हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन नहीं है, इनको हम क्वेश्चन नहीं मानेंगे, क्वेश्चन ये है, ये पूरा क्वेश्चन है एक। अब इसमें से कोई भी पांच करने हैं, यानी आपने मान लो ये कर दिया, 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 पांच अटेम्प्ट कर लिए, ये 10 है ना पूरे, 10 में से पांच कर लिए। तो पांच कर दिए, इसका मतलब है 10 में से पांच करने पर आपके क्वेश्चन नंबर टू भी पूरा हो गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर वन कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर वन पूरा कर दिया व्याख्याओं का, मतलब आठ में से चार व्याख्या कर दी, और क्वेश्चन नंबर टू कर दिया आपने, 10 में से पांच क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से आपके दो क्वेश्चन पूरे हो गए। क्या हो गए? दो क्वेश्चन पूरे हो गए, एक क्वेश्चन तो व्याख्याओं का और एक ये छोटे क्वेश्चन वाला। तो ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूरे हो गए, पेपर हो गया कंप्लीट। इस तरह से दो क्वेश्चन करने। बच्चे पिछली बार क्या मिस्टेक करा है, सर एक क्वेश्चन तो ये कर दिया छोटा वाला, एक क्वेश्चन ये छोटा वाले कर दिया, लो ये दो क्वेश्चन हो गए, हमारा तो पेपर हो गया पूरा। अरे भैया, ऐसे पेपर पूरा नहीं होता है, ये दो छोटे क्वेश्चन करके पेपर पूरा हो गया? नहीं, इतने छोटे क्वेश्चन करवाते तो फिर तो घर बैठे ही पास हो जाओ, है ना? इस क्वेश्चन में पांच करने हैं, इन पांच को करोगे तब एक पूरा माना जाएगा कंप्लीट, ठीक है? और व्याख्याओं में आठ में से चार करनी है, आठ में से चार करनी है, जब चार करोगे तब एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक है? समझ गए? यानी आपने व्याख्या कर दी और ये छोटे वाले कर दिए, इसका मतलब आपके एक उसका और एक इसका दो क्वेश्चन पूरे हो गए। समझ में आया ना? और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कहीं एग्जाम में कि दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर टू का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपने यहां कर दिया पेपर में, एग्जैक्ट कर दिया, और ये बाकी तीन कहीं और कर दिए। अरे जब ये करना शुरू हो ना तो जगह छोड़ देना, अगर नहीं आ रहे हो तो इन पांचों क्वेश्चनों के लिए जगह छोड़ देना, समझ गए? क्योंकि
क्योंकि ऐसा मत करना कि दो क्वेश्चन यहाँ कर दिए, फिर बीच में व्याख्या कर दी, फिर कुछ और कहीं और कर दिए। नहीं, एक ही जगह लिखने हैं ये। अगर ये क्वेश्चन करने बैठ गए नंबर टू, ये करने बैठ गए, तो ये पांचों क्वेश्चन इसके एक ही जगह लिखने हैं, साथ साथ में। मतलब बीच में कोई, उसके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई और कहीं से अटेम्प्ट कर दिया या ये कहीं और पटक दिए। ऐसे मत करना, एक ही जगह करना है। व्याख्या करोगे 8 में से 4, तो चारों को लाइन वाइज से करना। मतलब लाइन वाइज से मतलब एक ही जगह करना। ऐसा मत करना कि कुछ व्याख्याएं आपने, मान लो एक व्याख्या आपने यहाँ कर दी, एक व्याख्या तो कर दी ये, ठीक है, और उसके बाद में आप चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे, और फिर उसके बाद में आप यहाँ इनको करने लग गए। नहीं, ऐसे मत करना। अगर व्याख्या आ नहीं रही हो ना आपसे, तो ऐसा करना पहली व्याख्या कर दी, फिर स्पेस छोड़ देना, जगह छोड़ देना, पेपर छोड़ देना, पर करनी ये चार व्याख्याएं एक जगह हैं, 8 में से 4 व्याख्याएं एक ही जगह करनी है, समझ गए? साथ साथ में करनी है, ऐसा नहीं करना है कि बीच में कुछ और डाल दिया, नहीं, तो गलत हो जाएगा मामला। तो इस तरह दो क्वेश्चन पूरे हो गए ना, या तो यहाँ हो गया तो पेपर खत्म हो गया, बात खत्म है। अगर आपको मान लो व्याख्याएं नहीं करनी है, आपने बोलिए सर मुझे तो व्याख्या अटेम्प्ट ही नहीं करनी, ठीक है मत करो, मुझे तो छोटे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है मत करो, मैं सिर्फ बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो ठीक है बड़े क्वेश्चन कर लो। अब बड़े क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ये एक क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, परंतु इस बार बड़े क्वेश्चन का हिसाब थोड़ा अलग है। कैसे? पहली बात तो इस और को भूल जाओ, और को भूल जाओ, ये एक पूरा क्वेश्चन है, ये एक पूरा क्वेश्चन है, ये एक पूरा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है देखा जाए तो। आप मान लो एक ये कर दिया और आपने एक ये कर दिया, मतलब एक ही सेक्शन के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर आपने 2 क्वेश्चन कर दिए बड़े वाले, तो आपके ये 20-20 नंबर के 2 हो जाएंगे और 40 नंबर का पूरा पेपर कंप्लीट, बात खत्म। ये 2 बड़े क्वेश्चन कर दिए। फिर बोलोगे सर कोई बात नहीं, ऐसा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि इधर से 1 क्वेश्चन कर लिया और इधर से 1 क्वेश्चन कर लिया। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, 2 बड़े क्वेश्चन हो गए, बात खत्म। ऊपर वो छोटे वाले और व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 बड़े क्वेश्चन कर दिए, बात खत्म हो गई मान लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सर मान लो इन जितने भी और को आप है ना, ये जो बड़े क्वेश्चन है ना जितने भी यहां से, इनमें इस सेक्शन को भूल जाओ, इस और को भूल जाओ, ये मानो ये 1 2 1 2 3, ये 4 है ना, ये 5, ये 6 और ये 7, ओ सॉरी, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 8 क्वेश्चन है आप, तो मान लो आपके लिए 8 अलग अलग क्वेश्चन है, कहीं से भी 2 क्वेश्चन उठा लो इनमें से, एक ही कर दिया, एक ही कर दिया है ना, चाहे ये नीचे के 2 कर दिए, चाहे एक इसमें से कर दिया, एक इसमें से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि सेक्शन भूल जाओ, ये सेक्शन है ही नहीं ना, ये सेक्शन है आपके लिए ना ये और है, ये सब भूल जाओ इनको, समझ गए? यानी 2 बड़े क्वेश्चन कर लो या तो, या फिर ऊपर की आप वो कर दो दोनों, या फिर एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक इनमें से कोई बड़ा क्वेश्चन उठा लिया, इनमें से कोई भी एक मान लो एक ये उठा लिया, या फिर कोई भी एक मान लो ये उठा लिया, कोई भी एक उठा लिया, एक तो उठा लिया, तो एक तो आपका यहीं हो जाएगा पूरा है ना, और उसके बाद में आपने ये कर दिया, ये हिस्सा कर दिया पूरा, इसमें से कोई भी 5 कर दिए, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, तो भी पेपर खत्म। या फिर आपने एक बड़ा उठा लिया कोई भी, और उसके बाद में आपने व्याख्या कर दी 4, तो भी पेपर पूरा, क्योंकि 2 पूरे हो जाएंगे ना, एक व्याख्या का पूरा हो जाएगा और एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरीके से करना है पेपर, समझ गए होंगे अब तो। तो ठीक है, अब मैं पेपर 2 भी देख लेता हूँ एक बार इंग्लिश का। देखो इंग्लिश के पेपर 2 में क्या है, इस तरह से आएंगे कि मान लो आपको एक पैसेज दे दिया, ये पैसेज दे दिया, इस पैसेज के आधार पर आपको अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये पैसेज पूरा एक क्वेश्चन है, समझ गए ना, एक क्वेश्चन है ये, इस पैसेज को पढ़ो और इसके 5ों क्वेश्चनों को कर दो अंदर के, समझ गए? तो पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा मिला के एक क्वेश्चन पूरा होगा आपका, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रेसी राइटिंग, इस पूरे पैसेज को पढ़ के इसकी क्या लिखनी है आपको, प्रेसी लिखनी है, प्रेसी लिखनी है ना, जब इसको कर दोगे आप पूरे को, प्रेसी लिख दोगे इस पूरे की, तो आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपका एक तो ये पैसेज का हो गया और एक क्वेश्चन आपका प्रेसी का हो गया, और इस तरह से आपके पेपर के 2 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, समझ गए? पेपर पूरा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी नहीं करना मुझे, तो पैसेज भी होना है प्रेसी करनी है, तो नीचे आ जाओ सीधे, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ आपके ये सेक्शन को भूल जाओ, ये और को भूल जाओ, ये कुछ नहीं भूल जाओ, इनको कोई मतलब नहीं आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ उठा कोई भी 2 क्वेश्चन कर दो, फिर मान लो आपने वॉइस ऑफ ये वाला कर दिया मान लो, और आपने एक ये कर दिया, तो 2 बड़े क्वेश्चन हो गए, बात खत्म, पेपर पूरा। या फिर आपने एक ही साथ में जैसे सेक्शन को भूल ही जाओ, मतलब आपने चाहे ये कर दिया, ये कर दिया, ये दोनों कर दिए, कौन से, ये वाला और ये वाला, तो लो 2 पूरे हो गए, बात खत्म, पेपर खत्म, ऊपर वाले करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना बात को, इस तरह से करना है। या फिर आप इनमें से कोई भी एक उठा लो, ये कर दिया, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, और साथ में एक तो वो कर दिया नीचे से, और फिर एक ये पूरा प्रेसी लिख दिया, तो 2 पूरे हो जाएंगे। या फिर एक नीचे से कर दिया और एक आपने पैसेज कर दिया, ये पूरा 5ों पैसेज के सारे मतलब एक माना जाएगा पूरा, ये इसके अंदर ये 2 ये 2 नहीं है ये, ठीक है,
मत ये गलती मत करना, ये पूरा एक ही है मिलके, ये पूरा करोगे तब एक क्वेश्चन पूरा होगा। तो मान लो एक ये कर दिया पूरा और एक बड़ा क्वेश्चन कर दिया कोई भी इनमें से, तो फिर दो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इस तरह दो क्वेश्चन करने हैं आपको, इस तरीके से दो करने हैं, है ना। इस तरीके से दो नहीं करने कि पैसेज में घुस गए और ये दो छोटे छोटे टिंजे पुंजे ये करके पेपर खत्म। अरे नहीं, ये तो आपने एक ही क्वेश्चन के सिर्फ दो पार्ट किए हैं, समझ गए। अब मैं आपको हिस्ट्री का पेपर बताता हूँ। हिस्ट्री के पेपर में से हिस्ट्री का इसी तरह पॉलिटिकल का आता है, इस तरह ज्योग्राफी का आता है, इसलिए बता रहा हूँ। मान लो छोटे क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नंबर के अंदर वन के अंदर है 10, यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर 10 हैं, ये 10 के 10 पूरे करने हैं। ये 10 के 10 करोगे तब आपका एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, एक क्वेश्चन, समझ गए ना। और ये 10 के 10 साथ साथ करने हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 यहाँ कर दिए फिर बीच में कुछ और करने लग गए फिर 3-4 कहीं और कर दिए, ऐसे मत करना। ये 10 के 10 साथ साथ करने हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी 5 करना है, मान लो इसमें से कोई भी 5 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये 5 कर दोगे ना कोई भी, तब आपके ये 5 कर दिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। फिर इसका मतलब एक तो अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक दोनों कर दिया, अब दो क्वेश्चन हो गए आपके पूरे इस तरह से। अब ये नहीं करने, मान लो आपको इनमें से कोई सा भी नहीं करना है, तो आप बड़े क्वेश्चन पा जाओ और ये सेक्शन और जैसा मैंने पहले समझा इनको सबको भूल जाओ, है ना। और सीधा एक ये बड़ा कर दिया, एक ये बड़ा कर दिया, ठीक है। या चाहे एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, इस तरह दो बड़े कर दो, बात खत्म। दो बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से पेपर है, समझ गया ना बच्चों। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, हाँ अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हो आप कि ये कहीं बाद में फिर से डाउट कर दो, इस बार एक बार फिर बताता हूँ। ये सारे छोटे कर दो, मान लो आते हैं सारे सारे, तो एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक बड़े में से ले लो कहीं से भी, एक उधर हो गया तो यहाँ फिर दो मत करना, फिर यहाँ कोई भी एक कर देना तो पेपर पूरा हो जाएगा। या फिर आपने ये, चलो अति लघुतरात्मक नहीं आते मुझे तो ठीक है, लघुतरात्मक आते हैं तो इनमें से कोई 5 कर दो, इनमें से 5 ही करने लिखा है साफ साफ, ये 5 कर दो तो ये आपका एक पूरा हो जाएगा। 5 करने पर एक पूरा हो जाएगा और प्लस फिर एक बड़ा क्वेश्चन कर दो, कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन कर दो तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इस तरह से पेपर आपका पूरा हो जाएगा, समझ गए ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। और एक ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन के जितने भी भाग हैं वो एक ही जगह करना, अलग अलग जगह मत पटक देना कहीं पर भी, इस बात का ध्यान रखना। तो ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, मैं वहां भी क्लियर कर दूंगा डाउट। पर डाउट रखना मत मन में, और बच्चों को, दूसरे आपके जो बच्चे हैं ना साथ में स्टूडेंट्स, उनको शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाए इस पेपर को रिगार्डिंग। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई मिस्टेक मत करके आना पेपर में, समझ गए। इस तरह से सबको शेयर कर देना बच्चों को कि ये इस तरह से करना है पेपर, ठीक है। अब मैं अगला लेक्चर लेके आऊँगा इंग्लिश लिटरेचर किसी टॉपिक पे, ये तो मैंने जनरली आपके डाउट क्लियर करने के लिए पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है और कैसा आपको अटेम्प्ट करना है वो समझाने के लिए था, ठीक है बच्चों। तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, टिल देन गुड बाय।